कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एमपी विधानसभा चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत की। जगदलपुर पहुंची प्रियंका गांधी ने सबसे पहले नर्मदा मैया की पूजा की। प्रियंका गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने जबलपुर से कांग्रेस के मेगा प्रचार अभियान की शुरुआत की। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले ग्वारी घाट पर 101 ब्राह्मणों के साथ नर्मदा पूजन किया और फिर महाआरती की। नर्मदा नदी में पूजा करने के बाद प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एमपी में धनबल किससे लोकतंत्र को कुचला जाता है। प्रियंका गांधी ने अपने पिता और दादी को याद करते हुए कहा कि मेरे परिवार के सदस्यों ने इस देश को बनाने में अपना खून दिया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज को दी चुनौती। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों बाद प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी ने सौदेबाजी से हमारी सरकार छीन ली। मैं भी सौदा कर सकता था, लेकिन मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं बनाना चाहता। मैं शिवराज सिंह से मुकाबला नहीं कर सकता। मैं उनके नाचने से मुकाबला नहीं कर सकता। मैं उन्हें हरा नहीं सकता नाचने में। मैं शिवराज सिंह जी को गाने में नहीं हरा सकता। मैं शिवराज सिंह को कलाकारी में नहीं हटा सकता, हरा सकता। मैं शिवराज सिंह को घोषणाओं में नहीं हरा सकता, पर मैं हरा सकता हूं उन्हें सच्चाई में। मैं हरा सकता हूं, ये शिवराज सिंह जी की आज मैं चुनौती देता हूं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये चुनाव किसी उम्मीदवार का केवल नहीं है, किसी पार्टी का केवल नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है, मध्य प्रदेश का भविष्य के चुनाव है। और आपको तय करना है आप कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। मैं नौजवानों को देख रहा हूं, इतने सारे नौजवानों को देख रहा हूं यहां आज। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आज का बेरोजगार नौजवान, इसकी अपनी सोच है। आज का नौजवान ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको। यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया, और कर्नाटका की सरकार बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन ले, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे, और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।
ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।